हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। 3 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं इसमें। इसको बॉर्डर पे भी यूज़ कर सकते हो और फुल स्वेटर पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिन्होंने तो सब्सक्राइब कर दिया उनका मैं फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू उनका। और आगे और मेरी 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी सपोर्ट करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर अच्छे नहीं लगते तो, अगर ठीक है तो भी कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिना स्किप करके देखना इसको, तभी अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे आप डाल सकते हो। ये फर्स्ट रो हमने फंदे डालने के बाद हमने सीधी सिलाई बनाई थी, और ये सेकंड हमने ये उल्टी जो रॉन्ग साइड हमने उसे उल्टा ही बना लेना। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये जो फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी डालते हैं, ये वो है। ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई है, इसको भी हमने उल्टा बना लिया, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी फंदे डालने के बाद। ये सीधा उल्टा बनाने के बाद अभी एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बनाई थी फंदे डालने के बाद। अभी हमारी रो वन, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। रो वन पहला फंदा स्टिच उठा के एक फंदा हमने उल्टा बना लेना। ध्यान से देखना इस रो को। फिर ये जो हमारे दो फंदे हैं, हमने ये पीछे से ये दो का इसको हम एक बना लेंगे। ये दो फंदे सिलाई से निकाल के फिर इस फंदे को हमने फिर से उठाना है और इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर पीछे से दो फंदे लेने, इसको उठाना है और सीधा बना लेना है। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है, जो पहले हमने सीधा उल्टा वैसे बनाया था, यहाँ से हमारी रो वन स्टार्ट होती है। ये दो सिलाइयों का बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ दो सिलाई में बन के तैयार हो जाता है। छोटी बुनाई वाला बहुत ही सुंदर डिजाइन और जल्दी बनने वाला डिजाइन है। इसको ध्यान से देखते रहना बिना स्किप करके, सिर्फ दो सिलाइयों का डिजाइन है, बस इसको ध्यान से देख लो, आगे फिर से वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। ये हमारी रो वन है, राइट साइड से फंदा उठा के इसे भी सीधा बना लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो 3 के मल्टीपल में ना वो दो का एक और एक फंदा हमने उल्टा रखा, आप चाहो तो बीच में दो उल्टे भी रख सकते हो। एक फंदा उल्टा और लास्ट में एक फंदा हमने सीधा बना लिया। ये हमारी रो वन कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी रॉन्ग साइड में आई है, हमारी रो टू आई है, ये रॉन्ग साइड में यहाँ पे रो टू बनाएंगे। ये और ध्यान से देखना, पहला फंदा स्टिच ऐसे उठा लेंगे और इसके जो हमने पीछे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं हमें, वो भी हमने दो सीधे बना लेने। फिर धागा आगे करेंगे और इसे हमने बिना बनाए एक फंदा उठा लेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा बिना बनाए उठा लेंगे, दो फंदे सीधे। इसे ध्यान से देखना है कि कौन से फंदे हमने सीधे बनाने हैं और किसको हमने बिना बनाए उठाना है, ध्यान से देखते रहना। नहीं तो गलती से आगे पीछे फंदे डाल लेते हो, किसी और को उठा लो तो वो गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहना। ये दो फंदे सीधे और एक फंदा बिना बनाए, धागा आगे करके फिर उठाना इसको बिना बनाए, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाएंगे, बिना बनाए उठाएंगे। ऐसे ही हमने ये रो सेकंड सारी ऐसे ही बनानी है। तो सीधे हमारी रो तो भी कंप्लीट हो गई है।
कितना सुंदर लगेगा। अच्छा थोड़ा और आके बना के दिखाती हूँ ऊपर। ये देखिए इतना मैंने बना लिया, बस दो सिलाइयों का डिजाइन है, उसके बाद फिर से रो वन रो टू ऐसे कंप्लीट होएगी। थोड़ा सा और बना के बता देती हूँ आपको डिजाइन के ऊपर। यहाँ जो दिखाई दे रहा है एक बंदा उल्टा धागा पीछे, और ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ध्यान से देखना, इसको हमने पीछे से लेके सीधा बना लेंगे। धागा आगे एक बंदा उल्टा धागा पीछे, ठीक है वही रिपीट हो जाएगा रो वन और टू, ये सब ऐसे ही बनता जाएगा। दो सिलाई का डिजाइन बहुत ही आसान है, इसे हम सारा ऐसे बना लेंगे। बहुत सुंदर लगता है इसे ट्राई जरूर करना। ये देखिए इतना बनाया मैंने, बहुत प्यारा लगता है। ओके थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।